एशिया की सबसे ज्यादा सुरक्षित कही जाने वाली तिहाड़ जेल के अंदर सुरक्षा कैसी है, इसका अंदाजा टिल्लू ताजपुरिया की हत्या से लगा सकते हैं। इससे कुछ दिन पहले गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया की हत्या भी जेल में ही कर दी गई थी। ये दोनों वारदातें एक सामान्य गैंगवर की ही घटना नहीं है, बल्कि ये खुले तौर पर देश की सबसे सुरक्षित जेल का दम भरने वाले तिहाड़ प्रशासन और दिल्ली की कानून व्यवस्था को खुली चुनौती है। आए दिन जेल के अंदर से मोबाइल फोन और दूसरे गैर कानूनी सामानों को बरामद किए जा रहे हैं। तिहाड़ जेल प्रशासन के दावे के मुताबिक यहां चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। कुल 975 कैमरों से जेल की निगरानी होती है। इसके लिए 80 अफसरों के साथ ही 1000 से अधिक जेल कर्मी भी तैनात हैं। यहां पर जेल प्रशासन दावा करता है कि कैमरे जेल के तमाम बॉर्डर, अंदर बाहर के इलाके, जेल के बैरक, सेल, हाई रिस्क सेल, यंग ऑफेंडर जेल, मुजाहिदा जेल, अंडर ट्रायल, महिला सजायाफ्ता जेल में लगाए गए हैं। इसके अलावा बकायदा हर एक कैदी उसकी गतिविधियों पर इन कैमरों के जरिए 24 घंटे कड़ी निगरानी रखी जाती है। टीएसपी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, टीजी जेल स्टाफ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम के जरिए जेल के चप्पे चप्पे पर बारीकी से नजर रखता है। बावजूद इसके योगेश टुंडा और उसके साथियों ने टिल्लू की पीट पीट कर हत्या कर दी। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी वारदात बिना जेल कर्मियों की मिलीभगत के कैसे संभव है। सबसे सुरक्षित जेल के अंदर सबसे सुरक्षित सेल में चाकू, लोहे का रॉड, बेडशीट की रस्सी के साथ मंगलवार की सुबह 15 मिनट से भी अधिक समय तक मौत का खेल चलता रहा, लेकिन किसी को भनक क्यों नहीं लगी। वहीं टिल्लू की मौत के बाद सभी अधिकारी एक साथ कैसे पहुँच गए, ये सवाल गैंगस्टर टिल्लू की हत्या की नहीं, वो तो खुद एक गैंगस्टर था और अपने प्रतिद्वंदी गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद गिरफ्तार होकर जेल में आया था। ये सवाल सीधे तौर पर तिहाड़ जेल के अंदर सुरक्षा का है। यहाँ तमाम बड़े नेता और वीआईपी विभिन्न मामलों में बंद हैं। जेल अधिकारियों की माने तो घटना के वक्त 33 साल के गैंगस्टर टिल्लू अपनी बैरक में टहल रहा था। इतने में उसके विरोधियों में से 4 बदमाशों ने बैरक में घुसकर उसकी हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बैरक के बाहर एक गार्ड भी था, लेकिन उस वक्त वो सभी कैदियों को उनके बैरक से बाहर कॉमन हॉल के लिए रिलीज कर रहा था। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने ये वारदात हाथ से बनाए हथियार से अंजाम दिया गया है। जेल में हत्याओं को लेकर तिनका तिनका जेल सुधार विशेषज्ञ वर्तिका नंदा का कहना है कि जेल कर्मियों की मिलीभगत के बिना ये संभव नहीं है। इधर टिल्लू की हत्या मामले में बुधवार को दिल्ली पुलिस ने करीब 20 ठिकानों पर छापेमारी की। आपको बता दें, अभी 2 दिन पहले ही जेल के अंदर जाली काटी गई थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जेल प्रबंधन ने इसे हल्के में लिया। अब पता चला कि जेल की जाली टिल्लू की हत्या के लिए काटी गई थी। पुलिस की जांच में जेल अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर टिल्लू के ऊपर करीब 10 मिनट में 90 वार किए गए। वहीं जब जेल गार्ड मौके पर आए तो बदमाशों ने उन्हें ठहर जाने की चेतावनी दी और वापस टिल्लू के ऊपर वार करने लगा। इस घटना के संबंध में डीजी जेल संजय बेनीवाल से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन ना तो उन्होंने फोन उठाया और ना ही मैसेज का कोई जवाब दिया। अब जेल प्रशासन ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल में खूंखार आतंकी, गैंगस्टर और एक से बड़े एक अपराधी बंद है। इसके साथ ही कई वीआईपी भी बंद है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और जेल मंत्री सत्येंद्र जैन भी इसी जेल में बंद है।